स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VRT कंप्यूटर एजुकेशन में। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि MS Excel की पांच वो ऐसी ट्रिक जिनका सामान्य रूप से आप अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते ही होंगे। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐसी ट्रिक हैं जो आपके कंप्यूटर ज्ञान में जीवन भर इस्तेमाल आने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन पाँच ट्रिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ट्रिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक डाटा बनाया हुआ है और इस डाटा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी आपके ब्लैंक सेल नहीं हैं। अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक साथ कई जगह पे ब्लैंक रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर रोज़ को सेलेक्ट करना होगा। रोज़ को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी रोज़ पर आप लास्ट में माउस पॉइंटर रखेंगे और माउस पॉइंटर रखने के बाद कंट्रोल की दबाएंगे और इस तरह से आप जहाँ पे चाहते हैं आपको कीबोर्ड से सिर्फ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर करना होगा और इस तरह से आप देखेंगे कि जहाँ पर आपने सेलेक्टेड किए थे तो सेलेक्टेड एरिया की जगह पर आपके एक ब्लैंक रोज इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी पहली ट्रिक है, ज़्यादातर आपको इसका इस्तेमाल करना ही होता है तो हम एक साथ यहाँ पर रोज इंसर्ट कर लेते हैं। तो अगली ट्रिक है, यानी नंबर दो ट्रिक है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हमने एक ब्लैंक रोज़ इंसर्ट कर रखी है और आप चाहते हैं कि इस ब्लैंक रोज़ को, यानी आपकी डेटा में कई जगह पर ब्लैंक रोज़ हैं और आप चाहते हैं कि इनको हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डेटा को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यानी अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जी करना होगा। कंट्रोल प्लस जी करने के बाद आप स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ब्लैंक पर क्लिक करना होगा और ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर कि आपकी जो सेलेक्टेड रोज़ हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। तो अब क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस करना होगा इस तरह से और आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इंटायर रो, यानी जो सेल आपको हटाना है या जो रो हटाना है या जो कॉलम हटाना है आपको यहाँ पर इंटायर रो पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जो ब्लैंक रोज थी वो रिमूव हो जाएगी। कैसी लगी ट्रिक ये, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक के तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डेटा बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डेटा को डिलीट कर दिया है, कई जगह से हमने डेटा को डिलीट कर दिया है और आप चाहते हैं कि इस ब्लैंक सेल में हम NA यानी नॉट अवेलेबल लिख दें, तो ये कैसे लिखेंगे, चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको कंट्रोल प्लस जी करना होगा। कंट्रोल प्लस जी करने के बाद आप स्पेशल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद आपको बस NA टाइप करना होगा, यानी ब्लैंक सेल पर, यानी आपको बस इतना करना होगा कि बिना कहीं पर भी माउस पॉइंटर को क्लिक किए हुए आपको NA टाइप करना होगा और NA टाइप करने के बाद आपको कंट्रोल यानी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इंटर करना होगा इस तरह से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NA सभी सेलों पर ऑटोमेटिक आ गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इनको हाईलाइट करना चाहते हैं यानी कोई स्पेशल कलर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाइए और उसके बाद आपको क्या करना होगा, हाईलाइट सेल रूल पर जाना होगा और यहाँ पर टेक्स्ट डैट कंटेंट पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर NA पर, यानी यहाँ पर हमने NA टाइप कर दिया इस तरह से। अगर आप इसमें कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं यानी कोई स्पेशल कलर देना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहां पे आप कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और उसके बाद यहां पर फिल पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपने येलो टाइप कर दिया, यानी येलो आपने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि जहां जहां पर NA लिखा हुआ है वहां पर ऑटोमेटिक ही आपका येलो कलर आ जाएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर NA हटाया और ये NA यानी अब वहाँ पे सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग हट गई, जब भी NA कहीं पे भी लिखा होगा वहीं पर ही आपका ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी इस तरह से। यह ट्रिक कैसे लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी इसी में मैं आपको एक नई चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपको ब्लैंक सेल को हाईलाइट करना हो, यानी आप चाहते हैं कि इसमें NA भी ना लिखा हो और आप चाहते हैं कि यह ब्लैंक सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए, यानी हमें यह पता चल जाए कि
ब्लैंक सेल कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेटा को सेलेक्ट करना होगा। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना होगा और आपको न्यू रूल पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लैंक पर क्लिक करना होगा, यानी यहाँ पर आपको रूल पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ग्रीन कर देना होगा। ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो अब आप क्या क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पर भी ब्लैंक सेल होंगी वह ऑटोमेटिक वहाँ पर वो सिलेक्टेड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ब्लैंक सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपने ब्लैंक सेल की जगह पे आपने एन टाइप कर दिया तो आप देखेंगे कि वहाँ पर दूसरी कलर से हाईलाइट हो जाएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं। अगली ट्रिक है कि हमें किसी भी डेटा में ये कन्फर्म करना हो, ये पता करना हो कि हमारा जो डेटा है उसमें कहाँ कहाँ पर फॉर्मूला लगा है, तो हमें ये एक साथ पता करना है। तो हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर हमने स्पेशल पर क्लिक कर दिया और फॉर्मूला पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, यानी जहाँ जहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा हुआ है वहाँ पर वो ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। अब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे जो कैलकुलेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है और अपने फॉर्मूला को आसानी से देख भी सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार पर। तो हमारे द्वारा दी गई ट्रिक आपको कैसे लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।